आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को सुनेंगे। आज का टॉपिक है विचारों पर जय पाने के बाद कह रहे गॉड हमारी सहायता करता है। इसका मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर और वो आपकी सहायता नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है? कहता है कि आप अपने विचारों पर जय नहीं पा पा रहे, इसलिए कह रहे कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी सहायता हो परमेश्वर, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में, और मेरी जब शादी हो, लाइफ पार्टनर मिले, हर चीज में, मतलब कि आप परमेश्वर से सहायता मांगते हो कि अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करता है कह रहे जो खुद अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। मतलब परमेश्वर उसकी मदद करता है कह रहे कि जो विचारों पर जय पाएंगे, अपने थॉट्स पर जय पाएंगे। तो बाइबल हमें बताती, लेकिन शैतान भी जानता है इस बात को, कह रहा कि अगर इंसान ने अपने थॉट्स पर जय पा लिया तो वो जीत जाएगा, मतलब वो जो मांग रहा है उसे मिल जाएगा। परमेश्वर यही बताना चाहता है आज के वचन से, कह रहा है कि शैतान जो है बड़ा तेज है, वो चाहता है कि ये लोग विचारों में फंसे रहें, ये लोग अपने ख्यालों में फंसे रहें और परमेश्वर की ओर ध्यान ना लगाएं। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं वो जय पाते हैं अपनी जिंदगी में। मतलब जो लोग अपने जीवन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब आप ध्यान करेंगे परमेश्वर का, तो उसी समय परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे मां बाप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मेरे सास ससुर मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग निराश हैं इन बातों को लेकर कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं आपको आज गुड न्यूज देने के लिए आया हूं, अगर आपकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन मेरा खुदा आज आपकी तरफ ध्यान देने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आज, ये प्रोफेसी आपके जीवन में 7 दिन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है कि हाँ प्रभु मेरी तरफ ध्यान दे। जब आप प्रेयर करते हैं परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान देगा। आप लोग संसार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरी तरफ ध्यान दो। कह रहा कि जब आप बाइबल की तरफ ध्यान देते, वचनों पर मन लगाते, जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं। इसका मतलब कि आप सारे काम छोड़कर जो यूट्यूब लाइव, मतलब की फैमिलियां जो बैठी है इस समय सुन रही है, वचन को सुन रही है, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ओर ध्यान कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज शैतान आपसे मतलब डरा हुआ है, वो चाह रहा है कि ये लोग ध्यान ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितनों ने करा वचन पर मन लगाया उनका कल्याण हो गया। हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में करा 100 गुना फल को लेकर आएगा। आज यहां बहुत सारे लोग इस टेंशन में है, निराशा में है, समस्या में है, पता नहीं परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगाएगा कि नहीं लगाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके ध्यान को शैतान भटकाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है शैतान को कि अगर इनका ध्यान जो लग गया परमेश्वर की ओर, जो ये मांगेंगे आज मिल जाएगा ने यीशु मसीह के नाम में। आज अपने विचारों में कह रहा बाहर आना है, अपने विचारों से बाहर आओ। इसका मतलब बहुत बच्चे करते हैं कि प्रार्थना करने का मम्मी क्या फायदा, 1 घंटा वर्शिप करने का, आंख बंद करके प्रार्थना करने का क्या फायदा, वर्शिप में बैठने का क्या फायदा। कुछ लोग करते हैं कि वर्शिप जब खत्म हो जाएगी उसके बाद जब प्रॉफिट बजिंदर जी आएंगे मैं बैठ जाऊंगा और वचन सुनने के लिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर जो है आपके विचारों से नहीं चलता, वो खुद के विचारों से चलता है। उसका वचन बोलता है यशाया में, कह रहा है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। आज परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर दया कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है आपके ऊपर। वो चाहता है अपने लोगों को कि उनके विचारों का जो स्टैंडर्ड है वो छोटा ना हो, वो स्टैंडर्ड ऊंचा हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके विचारों का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा तो परमेश्वर आज आपका स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए जा रहा है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको ध्यान करना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कि ध्यान, कह रहा जब आपका ध्यान भटकता है तो शैतान आपके ऊपर जय पाता है। जब आपका ध्यान करा के परमेश्वर के वचन की ओर होता है तो शैतान हारता है और आप जीतते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको जीतना सिखाऊंगा कि आज आप जीत कर जाएंगे, आज आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में, आज आप जीतेंगे, आप विनर बनेंगे। कहो आई एम विनर, आज आप विनर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति के 24:63-64 को पढ़ते हैं, जेनेसिस का चैप्टर देखते हैं हम 24 उसका, और उसके 63 में देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा। यहां बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे संत, बहुत सारे विश्वासी लोग बहुत बार प्रार्थना करने के लिए गए, बहुत बार वचन पढ़ने के लिए गए। जब आप ध्यान लगाने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, करें ध्यान इसलिए लगाया जाता है कि ताकि परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर हो। अगर आप संसार की ओर ध्यान लगा रहे हैं
तो इस समय परमेश्वर आपको नहीं देख रहा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं, जब आप लाइव प्रेयर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, तो विश्वास करके बैठना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ओर ध्यान लगा रहा है और आप जो मांग रहे हैं आपको मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में।